तो गाइस आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्रेट के बारे में बात करेंगे, जिस सीक्रेट को आपने भी शायद नोटिस किया होगा। हम बात कर रहे हैं यूट्यूब स्टूडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा चलाया होगा और आपने कुछ यहाँ पर नोटिस किया होगा कि शायद जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही अपना यूट्यूब स्टूडियो यहाँ पर ओपन किया, आप देख सकते हैं कि मेरे व्यूज हैं वो यहाँ पर डाउन जा रहे हैं। और शायद आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आपके जो व्यूज हैं यूट्यूब स्टूडियो ओपन करते हैं, आप शायद दिन में यूट्यूब स्टूडियो को 10 बार 20 बार या 50 या 100 बार भी आप अपने जो यूट्यूब स्टूडियो है उसको आप शायद ओपन करते होगे। ओपन तो हर यूट्यूबर करता है, क्योंकि जब वह वीडियो मेहनत करके जब वह वीडियो बनाता है तो भाई वह ऑब्वियसली 100% ही वह यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करेगा। चाहे आप हों या मैं हूँ, हम 100% यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि यूट्यूब स्टूडियो ओपन करने से जो आपके व्यूज हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे और आपके जो व्यूज हैं वो डाउन जा रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल ट्यूटोरियल से समझाऊंगा जो न्यूज चल रही है अभी, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं इस पर वीडियो बना रहे हैं, यह रियल है या फेक में। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले मिल सके आपको। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो भाई जो ये न्यूज चल रही है वाइट स्टूडियो की, कि अगर आप इसको ज़्यादा ओपन करते हैं, अगर आप इसको दिन में 10 बार या 20 बार ओपन करते हैं, तो आपका जो यूट्यूब पर व्यूज है वो यहाँ पर कम होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कितना भी, अगर आप दिन में 10 बार 20 बार 50 बार भी अगर आप यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करते हैं तो आपके यहाँ पर व्यूज नहीं घटने वाले। वो व्यूज इसलिए घटते हैं क्योंकि अभी भाई जो अगर ब्लॉग चैनल है आपका, तो आप तो ब्लॉग में आप 7-8 मिनट की वीडियो बनाओगे तब आपका जो ब्लॉग है लोग देखेंगे उसको सारे। अगर आप ताजमहल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो आपके 7-8 मिनट में लोगों को ये पता चल पाएगा कि भाई ये ताजमहल का जो सीक्रेट है वो क्या है। लेकिन जो लोग मिनी ब्लॉग बनाते हैं वो केवल 1 मिनट में, 1 मिनट से कम समय में ही ताजमहल की बिल्कुल फुल ट्यूटोरियल से समझा देते हैं। तो भाई ये है कि अभी जो लोग हैं वो बड़े बड़े वीडियो को नहीं देख रहे हैं, जिससे आपके जो बड़े वीडियो हैं वो थोड़ी डाउन जा रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप यूट्यूब स्टूडियो को ज़्यादातर खोलते हैं तो आपके जो व्यूज हैं वो कम होने वाले हैं। और नंबर दूसरी बात है ये रही कि अगर आपके व्यूज कम हो रहे हैं तो वो आपका कंटेंट है। अगर आपके पास सही कंटेंट नहीं है, अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे तो 100% ही आपके जो व्यूज हैं वो 100% ही आपके व्यूज इंक्रीज होंगे। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं रहेगा तो आपके व्यूज नहीं आएंगे। और नंबर दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है व्यूज के लिए वो है आपका थंबनेल। अगर आपके पास सही थंबनेल है तो 100% ही आपके व्यूज आएंगे, चाहे वह आपका शॉर्ट वीडियो हो या फिर आपका बड़ा वीडियो हो। तो आपको सबसे पहले अपने थंबनेल और कंटेंट पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है और बहुत ही ज़्यादा आपको इस पर मेहनत करनी है, तब आपके व्यूज जो हैं वो इंक्रीज होंगे। तो भाई आप बिल्कुल भी हैरान ना हो कि अगर आप यूट्यूब स्टूडियो दिन में 1 बार 2 बार या 4 बार या 10 बार 100 बार आप 1000 बार भी ओपन कर सकते हैं। आप दिन में चाहे आप जितनी बार ओपन कर लीजिए, आपके यहाँ पर जो व्यूज हैं वो आपके व्यूज बिल्कुल भी कम नहीं होने वाले, बिल्कुल भी यहाँ पर डाउन नहीं जाने वाले। आपका जो व्यूज है, कंटेंट है, अगर आपका कंटेंट सही है तो आपके व्यूज हैं वो 100% यहाँ पर ग्रो होंगे, आपके व्यूज आएंगे। और आप देख सकते हैं कि अभी पर जो इंस्टाग्राम है, आप देख सकते हैं कि अभी इंस्टाग्राम चल रहा है, हाल ही में जो इंस्टाग्राम का फीचर आया है शॉर्ट वीडियो का, तो लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक में अब ज़्यादा लगे रहते हैं। इस कारण भी जो यूट्यूब के व्यूज हैं वो थोड़े डाउन जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा होगा तो आपके जो व्यूज हैं वो 100% ही आएंगे। तो भाई ये जो यूट्यूब स्टूडियो की जो न्यूज़ फैली है वो बिल्कुल ही यहाँ पर भाई रॉन्ग है।